लोग कहते हैं सरकारी जब आती है, अरे साहब हम तो जिंदगी भर घिसते रहे, समर्पित रहे, ये करते रहे और मलाई खाने का मौका आया तो जा गए। अरे भाई ये आज के नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो क्यों चला आ रहा है? तो उन्हें कहा कि वो एक एक प्रसंग सुनाते हैं कि राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम रावण इधर से ये मर रहा वो मर रहा, देवता ऊपर से देख रहे दर्शक, क्योंकि बाकी चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, तो दोनों लड़ रहे तो कुछ भी घटना घटती है तो ऊपर से बोलते हैं जय हो, स्पष्ट नहीं बोलते किसकी जय हो, बहुत क्लियर हो अपने मामले के अंदर, क्योंकि क्लियर बोले तो गड़बड़ होगी फिर, तो कहते जय हो, आप पूरी रामायण में देखेंगे कि जय हो ही मिलेगा। लास्ट में जब हुआ कि देखा कि कुंभकर्ण मर गया, मेघनाद मर गया, उसके लड़के सब मर गए, सारे सेनापति मर गए, और अब तो 100% पक्का है कि रावण हारेगा। जब ऐसा हुआ तो इंद्र ने मातली को रथ देकर के भेजा कि भगवान क्यों पैदल लड़ रहे हो आप, ये रथ टाइम पर। और इसलिए वो जाने की कहता है कि जिनके मन में पहले से ही था वो चले गए। ये तिष्ठन्ति जो अभी आज में हमारे साथ दिख रहे हैं, ते भवन्तु अपि ते गमने काम प्रकाम बुद्धिमान, वे भी भले ही उधर जाने वाले होने की इच्छा वाले हो जाए, बस एक काम नहीं होना चाहिए, कौन सा? भवन्तु काम गमने काम प्रकाम बुद्धिमान, एका केवल मेव साधन विदौ सेना शतेभ्योधिका, केवल एकमात्र मेरा साधन जो सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक ताकतवर है, और ये केवल मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, तो नंतोन मूलन दृष्ट वीर महिमा, यानी जिसकी सामर्थ्य नंद के विनाश में दुनिया ने देखी है, बुद्धिस्तु मां गांधुमा, वो मेरी निश्चयात्मक बुद्धि ये मेरा साथ न छोड़े। मुझे लगता है कि सभी प्रज्ञावान लोग इस निश्चित प्रज्ञा के साथ इस दिशा के अंदर चले और मकर संक्रांति का पर्व ज्ञान के प्रकाश को ऐसा फैलाए कि भारत भी विश्वगुरु बने, जिसकी छाया के अंदर संपूर्ण विश्व आने वाले समय के अंदर बंधुता का, परिवार का, सुख और शांति का अनुभव कर सके। इतने देर से आप सबने मुझे सुना, इसलिए सुना या झेला जो भी समझे, आपका आभार मानते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।